जय श्री श्याम, कैसे हो आप लोग? गाइज आपको पता सुनना कोई बात नहीं होने दे। गाइज हम आए हैं डबुआ मंडी अचार के लिए, आम लेने के लिए। भैया जी कॉल है और ये आम है, आपको चाहिए तो आप डबुआ मंडी आना, भैया से संपर्क करना। बहुत अच्छा आम दे रहे भैया, सस्ता लगा दिए। और हम 15-20 केजी ले जा रहे हैं, आम का अचार बनाऊंगी गाइज और आपको दिखाऊंगी जैसे कि आम का रेसिपी। तो भैया तोल रहे, भैया तोल दिया आपने? तो भैया कच्चा कच्चा आम निकाल दो, हम वीडियो भी बना रहे। देखो आपका वीडियो हम वायरल करेंगे भैया, आपके दुकान में सब आएंगे। तो गाइज आप भी जरूर आना भैया के काम में, आम ले जाना। बहुत गर्मी हो रही है गाइज, फिर भी आई हूँ, अचार बनाना ही है। मुझे उधर जाने दो। नहीं नहीं तू ही पकड़ के सही से बढ़ जाए। देखो हम आम कटवा भी रहे यहीं से और पसीने पसीने हो गए, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ये पूरा डबुआ मंडी बोलो देख रहे हैं, इधर भी काट रहे भैया, एक भैया उधर भी काट रहे हैं, सबको काम पे लगा दी है। पीला देख रहे, पीला काट दिया। पीला नहीं, थोड़ा सा तेल पार है। पीला मत काटना, अच्छा नहीं बनेगा। तो आम अचार सही नहीं बनेगा। पीला तुरंत साइड कर दे। आम का 100 बातें कर लो, आम काटने के लिए मेरे को बोल दो, जब आप तो बताओ। लगेगा यार, ये लगेगा। बिल्कुल भिड़ा के बांधे ना, तो कल बांध दिया। कितने करना? भिड़ा के बांध, 1 किलो भिड़ा के बांध।
अरबी आलू की तरह ही होती है। पर ये चिकनी ज्यादा होती है बनने के बाद ना। हाँ पूछ लो फोन करके, फोन करके पूछ लो। तो कहीं देखी हाँ। पाँच किलो ले लेते हैं। मतलब पीछे वाले चैन में वो है निकालो, फोन है निकालो। कर दी चैन। बोलो क्या करना। गाइस अपने लिए तो कटवा ली हूँ मैंने, ठीक है। ये देखो मेरी फ्रेंड के लिए भी लेके जा रही हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड है वो भी बोल रही है नीलम के लिए, मेरे लिए भी कटवा लेना। देखिए भाई हैं पल्ला क्योंकि ये फट रही है ना पन्नी।
डेढ़ एकड़ किसमें रखोगे? कितने हो गए भाई जो पैसे? बेटा इधर आएगा एक बार भैया, जरा पकड़ना भैया। हेलो भैया, ये अंगूठी आपने गलत पहन रखी है, उल्टी पहन रखी है, नहीं उल्टी पहन रखी है। हाँ ये ऊपर रहती है, अंदर गलत फायदा करेगा, फिर ये जो आएगा वो भी चला जाएगा। तो गाइस अभी पता है अभी हम पार्लर पे पहुंचे और बहुत ज़्यादा थक गए, सारी आम ले आए, आम ही ले आए। मेरे बाल सुबह के गीले हैं, मैं खोले भी नहीं, बताओ ऐसे ही हो रहे हैं। नहा के सुबह साढ़े चार बजे हम उठ गए थे, गए हम मंडी 7 बजे, और 7 बजे गए गाइस, भीड़ इतनी हो रही थी। फिर 10 किलो तो कुसुम के लिए कटवाई आम ही अचार बनाने के लिए, और 15 केजी अपने लिए, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना गाइस, तो इस वजह से, और हम दो साल तीन साल खाते हैं आम के अचार, तो इस वजह से हम 15 केजी कटवा के लाई हूँ। और अब जा रही हूँ गाइस, अब उसको धो के, पानी में धो के, हल्दी डाल के, नमक डाल के उसको छत पे सुखा दूँगी। उसके बाद आम का अचार लेके, आम का मसाला लेके आऊँगी बाहर से, डिब्बा वाली। वैसे हम नहीं बनाते हैं, हम डिब्बे वाले डालते हैं, डिब्बे वाले। जब हम अचार बनाऊंगी ना गाइस तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है? कमेंट करना किस किस को देखना है, और क्या कहते हैं, इतनी मेहनत लगती है ना अचार वचार बनाने में। सकल देखो 3 बज गए सकल पर। अरे हम लाए छोले भटूरे, अभी हम खाएंगे, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। बोरी पकड़ रखी थी आरती आम की, नहीं तो रास्ते का भी सीन दिखाते, और पर हम दिखा नहीं पाए। हम सोचे चलो पार्लर पर जाकर ही थोड़ा बहुत और वीडियो एंड कर देंगे। तो गाइस ऐसा है, कमेंट में बताना किस किस को मेरी अचार आगे की देखनी है, और कमेंट करना जल्दी जल्दी। बाकी ये वीडियो हम डाल देते हैं, ठीक है गाइस? खा लेते हैं हम छोले भटूरे, तब तक के लिए बाय। अगली वीडियो जरूर देखना बाय। दूसरी पार्ट टू इसका बनाएंगे ना, अचार बनाने का दिखाएंगे आपको, है ना? पार्ट टू दिखा देंगे। चलो ठीक है गाइस, बाय। जय श्री श्याम, बाय।